विडंबना ये रही कि इस नियुक्ति पर जब आपत्ति उठा सत्ता पक्ष के द्वारा भी विपक्ष के द्वारा भी, सरकार का जब ध्यान आकृष्ट कराया गया तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के जो युवक है वो शिक्षित और योग्य नहीं। दूसरा, जो विभागीय मंत्री थे श्रीमती नीरा यादव ने, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि सामान्य कोटे में बाहरियों की नियुक्ति हम नहीं रोक सकते। उनको मालूम होना चाहिए उन्हीं की सरकार छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बाकी बंगाल सरकार भी पड़ोसी है, उड़ीसा है, वहां पर भी जो जनरल कैटेगरी है वो भी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए मात्र 5% ही ओपन करती है बाहरी लोगों के लिए, और यहां 75%। और हमको लगता है कि इन लोगों की बस चलता तो ये 100% बाहरी लोगों को नियुक्ति पत्र बांट देते। एक नया शिक्षा भी आया है, इन लोगों ने कहा है कि अब से थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है अभी तक उसमें नियुक्ति अब स्थानीय को ही मिलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि स्थानीय क्या 1985 का जो कट ईयर है आप उसको मानेंगे? फिर तो वही बात हो जाएगी, फिर तो 85 के पहले का कोई भी एक सर्टिफिकेट लाकर लोग यहां से नियुक्ति ले जाएंगे। हम लोग शुरू से मांग करते रहे स्थानीय का मतलब खतियान, जिनके पास खतियान हो वही स्थानीय होंगे और नियुक्ति उन्हीं लोगों की होगी। प्लस टू में जो भी बाहरी लोगों का नियुक्ति हुआ है उसे तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा वो जब ज्वाइन करने जाएंगे उनके साथ यदि किसी भी तरह की कोई घटना होती है, लोग यदि बाधा उत्पन्न करते हैं स्थानीय लोग, तो उसकी सारी जिम्मेवारी इस राज्य सरकार की होगी, विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की होगी।